उत्तर प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू होने के बाद ही सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो चुकी है। गांव के रास्ते हैं, हम इस वक्त वहां मौजूद हैं मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं गांव के रास्ते हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी दौरेबाजी शुरू कर दी है। पुलिस की गाड़ियां जो पीसीआर वैन्स हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अभी से चेकिंग शुरू हो चुकी है। हम रोक के बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मोदी नगर के थाना प्रभारी हैं ध्रुव भूषण दुबे, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था इस बार चुनाव में रहेगी, किस तरह की तैयारियां पुलिस और प्रशासन ने की है ताकि अनहोनी से निपटने के लिए चुनाव में किस तरह की कोई कमी ना रह जाए, दुरुस्त व्यवस्था की जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। सर गोबरा पोस्ट, आपका स्वागत है। इस बार चुनाव जो 2017 वाला है, हमारा प्रबंधन, पुलिस प्रबंधन बहुत अच्छा है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ बुलाई गई है, गश्त इसका हुआ है और एरिया डोमिनेशन करवाया गया है। जितने भी अपराधी हैं उनको कार्रवाई की गई है। पूरा हमारा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाएगा, इस बार कोई समस्या नहीं आएगी। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाएगा, ये इनका कहना है, लेकिन जिस तरह हम देख सकते हैं सर, ये गाँव के रास्ते हैं, तो क्या पूरे दिन पुलिस की जो पीसीआर वैन्स है ये इसी तरह से रास्तों पे दौरे करती रहती है, इस तरह से घूमना चलता रहता है, और आपने स्पेशल क्या कुछ किया है इस बार अलग से? इस बार देखिए, हर गांव-गांव में जहां जहां पे पोलिंग होना है, पुलिस जा रही है, चाहे बीहड़ हो चाहे जहाँ पर, हर जगह जाकर रहे हैं और लोगों को यह समझा रहे हैं कि आप लोग निर्भीक होकर के वोट दीजिए। 100% वोटिंग होना चाहिए, 70% जहाँ वोटिंग होती है, लेकिन 70-80% अवश्य होगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि और वोटिंग हो यहाँ पे और शांतिपूर्ण मतदान हो यहाँ पे। तो शांतिपूर्ण मतदान की बात कही है और अपील भी किया वोटर्स से कि वो बिना डरे बिना झिझके इस वक्त अपनी चुनाव में बड़ी भागीदारी निभाएं, बढ़ चढ़कर वोट करें। और पुलिस का ये भी कहना है, ये दावा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी। चलिए सर आप निकल जाइए। तो आप देख सकते हैं गांव के रास्ते हैं, दिन का माहौल है, उसके बाद भी पुलिस की पैनी नजर हर व्यवस्था पर है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ये दावा किया गया है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहां ना होने पाए। और अभी से ही दौरेबाजी पुलिस की शुरू भी हो चुकी है, जिस तरह की हमने मोदी नगर के थाना प्रभारी से भी बातचीत की है, उनका कहना यह है कि व्यवस्था चाक चौबंद है, दुरुस्त है, शांतिपूर्ण मतदान इस बार किया जाएगा, वोटर्स भी खुलकर मतदान करेंगे, कोई बिना डरे बिना झिझके हर तरह से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ मोदी नगर से गौरव सिंह की रिपोर्ट, कोबरा पोस्ट के लिए।